दोस्तों आज मैं आपको एक बहुत ही अनोखी जगह पर लेके जाने वाला हूं। इस जगह पर धीरूभाई अंबानी, बाला साहेब ठाकरे जैसे बड़े लोग, बहुत ही पावरफुल लोग, या फिर वो लोग जो भविष्य में बहुत ही पावरफुल बनने वाले थे, वो लोग यहाँ पे आके दर्शन लेते थे स्वामी गगनगिरी महाराज का। स्वामी गगनगिरी महाराज एक भारतीय हिंदू संत और नाथ संप्रदाय के गुरु थे। हम पहुंच चुके हैं खोपोली। महाराष्ट्र के खोपोली इस जगह पर यह आश्रम स्थित है। खोपोली मुंबई से लगभग 1.5 घंटे की दूरी पर है और पनवेल से लगभग 20 से 25 मिनट की दूरी पर है। यह जगह बहुत ही खूबसूरत है और बरसात के दिनों में यह जगह और भी खूबसूरत दिखने लगती है। तो ये है आश्रम का एंट्रेंस, तो आइए अंदर जाते हैं। दोस्तों यहाँ अंदर प्रवेश करते ही प्रसन्नता महसूस होती है। मैं यहाँ जब भी आता हूँ मन की शांति जरूर प्राप्त होती है। यहाँ की जो वास्तु है ये ऐसे कुछ दिखती है, बहुत ही भव्य और बहुत ही सुंदर है। तो दोस्तों अब मैं आपको श्री गगनगिरी महाराज के बारे में कुछ जानकारी देता हूँ। श्री गगनगिरी महाराज का जन्म श्रीपाद पाटनकर के रूप में महाराष्ट्र के सातारा जिले के पाटन में हुआ। पाटनकर परिवार एक शाही परिवार है और चालुक्य वंश के प्रत्यक्ष वंशज है, जिन्होंने कभी दक्षिण और मध्य भारत पर शासन किया था। लेकिन इसके बावजूद 7 साल की छोटी सी उम्र में श्री गगनगिरी महाराज ने अपना घर छोड़ दिया था और हिमालय में जाके बहुत ही कड़ी तपस्या की थी, बहुत ही कम उम्र में संन्यास ले लिया था। ऐसे कहा जाता है कि जब श्री गगनगिरी महाराज छोटी सी उम्र में तपश्चर्या कर रहे थे हिमालय में, तब उनका संपर्क बहुत ही बड़े और ताकतवर योगियों से हुआ था जिनकी उम्र सामान्य मनुष्य से कई गुना अधिक थी। स्वामी जी को एक अवार्ड भी दिया गया था, विश्व गौरव विभूषण फ्रॉम द पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स। तो एक बहुत ही बड़ा अवार्ड है। और गगनगिरी महाराज एक एक्टिव एनवायरमेंटलिस्ट भी थे, यानी वो नेचर के लिए उनको बहुत ही ज़्यादा प्यार था। ही प्रीच्ड एंड स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरमेंट। तो दोस्तों ये जो नदी आप देख रहे हो, इसी नदी में बैठकर स्वामी जी तपस्या करते थे घंटों तक। पास के ही पहाड़ों से आती है और यहाँ पे टाटा पावर का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है जिससे इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होती है।
इस आश्रम में, यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो बिल्डिंग्स बनाए हुए हैं, इस बिल्डिंग में फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट भी दी जाती है। और उसके साथ साथ यहाँ पे आगे जो बिल्डिंग है, यहाँ पे योग संस्थान भी है। और उसके साथ साथ यहाँ पे जो भक्त आते हैं उनके रहने के लिए भी यहाँ पे सुविधा बनाई गई है। तो दोस्तों, सामने आप जो पर्वत देख रहे हो वहाँ पे स्वामी जी ने कहा था एक शिवलिंग है, तो इसके वजह से वहाँ पे एक बड़ा मंदिर बनने वाला है और मंदिर तक जाने के लिए एक रोप वे भी बनने वाला है। वैसे तो वहाँ तक पहुँचने के लिए लगभग 1200 से 1500 स्टेप्स चढ़ने पड़ते हैं। दोस्तों, ये जो सामने आप अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग देख रहे हो ये है भक्त निवास। वैसे तो यहाँ पे भक्तों के रहने के लिए सुविधा ऑलरेडी है, लेकिन भक्तों की तादाद ज़्यादा होने के कारण अब ये नई बिल्डिंग भी बनाई जा रही है। इसी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के पीछे एक गौशाला भी है और एक बायोगैस प्लांट भी है। श्री गगनगिरी महाराज नेपाल, भूटान, मानसरोवर, गौरीशंकर, गोरक्ष दरबार, गोरखपुर, पशुपतिनाथ जैसे दूर दूर के स्थानों की यात्रा करके वो दक्षिण की ओर बढ़े। तब स्वामी जी भारत की यात्रा अकेले पैदल करते थे। तो दोस्तों, अब हम जा रहे हैं नवग्रह मंदिर। यहां पे आपको नवग्रह के साथ स्वामी जी की मूर्ति भी देखने मिलती है। और 1950 के बीच में वह बंबई आए और बंबई में वह वालकेश्वर में मारुति मंदिर के पास हीरजी पारसी कब्रिस्तान में रहे। बाणगंगा टैंक के काफी नजदीक ये जगह है। दोस्तों, यहाँ पे फल के पेड़ भी लगाए हुए हैं जैसे चीकू और आम। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको देना चाहता हूँ, ये जो नवग्रह मंदिर है वो दोपहर के 11 से लेके 4 बजे तक बंद होता है। तो अगर आपको इस जगह पर आना है तो आप यदि 11 बजे से पहले आए या फिर 4 बजे के बाद आए तो आपको ये देखने मिल सकता है। यह जगह खोपोली रेलवे स्टेशन से लगभग 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर है, तो यहाँ पे आप चल के भी आ सकते हो या फिर आप ऑटो भी ले सकते हो और बस स्टैंड भी काफ़ी नज़दीक है। रोड की स्थिति बहुत ही अच्छी है। तो दोस्तों, अभी आप ये जो हॉल्स देख रहे हो यहाँ पे हवन होते हैं और बहुत सारे भजन कीर्तन के कार्यक्रम भी होते हैं। गुरु पूर्णिमा, महाशिवरात्रि और जन्माष्टमी के दिनों पर यहाँ पे बहुत ही बड़ा फंक्शन आयोजित किया जाता है और उसके साथ साथ अन्नदान भी किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको धीरूभाई अंबानी जी के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। वो जब दर्शन करने आते थे स्वामी जी के, तब वो यहाँ पे सेवा भी करते थे। वो यहाँ के जो फर्श है, जो फ्लोर है, उस पर झाड़ू भी मारते थे कई बार। तो ऐसे है यहाँ के कुछ किस्से। बाड़ा साहेब ठाकरे जी, जो बहुत ही प्रभावशाली और ताकतवर इंसान थे, उनके पास जो रुद्राक्ष आपने देखा होगा बहुत सारे फोटोज में, उनके पास एक रुद्राक्ष हुआ करता था। वो रुद्राक्ष उनको स्वामी गगनगिरी महाराज जी ने एक आशीर्वाद स्वरूप दिया था।
श्री गगनगिरी महाराज समस्त संसार के उद्धार के लिए तपश्चर्या करते थे, और जैसे जैसे उनके बारे में लोगों को पता चलते गया, जैसे जैसे लोगों को उनके ध्यान से लाभ होते गया, उनको मिलने के लिए, उनकी पूजा और सम्मान करने के लिए बहुत सारे लोग आने लगे और उनकी प्रतिष्ठा चारों ओर फैल गई। दोस्तों, वैसे तो स्वामी जी के कई सारे भक्त थे ऐसे जो फॉरेन कंट्रीज़ में भी रहते थे, स्वामी जी को मिलने, स्वामी जी के दर्शन करने वो खास इंडिया आते थे। स्वामी जी ने उन सारे लोगों को यही सिखाया था कि कैसे आप मटेरियल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ को एक बैलेंस करके जी सकते हो और कैसे ज़िंदगी में सक्सेसफुल बन सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छी सीख उन्होंने उनको दी थी, आशीर्वाद दिया था, और उसी वजह से ये जो लोग हैं वो बहुत ही सक्सेसफुल बन पाए अपने लाइफ में। स्वामी गगनगिरी महाराज ने 4 फरवरी 2008 में सुबह 3:30 बजे समाधि ली इसी जगह पर। तो दोस्तों, ये थी मेरी एक छोटी सी कोशिश आपके लिए एक बहुत ही अनोखी जगह दिखाने के लिए, महाराष्ट्र में एक महान योगी, एक महान और प्रभावशाली संत श्री स्वामी गगनगिरी महाराज, उनकी ये जगह है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको और भी ऐसे वीडियोस देखने हैं तो आप बेल आइकॉन ज़रूर दबा दीजिए, जिससे कि आपको मेरे चैनल पे जब भी नया वीडियो आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। सो थैंक यू अगेन, दिस इज़ स्वैपी बॉन्ड सेइंग गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, बाय।